आपको दिखाएंगे प्रदर्शन से ही जुड़ी तस्वीरें, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। चाहे हम बात करें कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, कई ऐसे मुद्दे, साधु संतों की जिस तरह से हत्या हुई, ये भी एक मुद्दा मिला है बीजेपी को, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव। नीतू बिल्कुल, तो जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही थी दिल्ली में, अब कांग्रेस के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जयपुर में। दरअसल जिस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है जयपुर में। और बीजेपी का कहना है कि जब कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है राजस्थान सरकार से, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसको लेकर बड़ी बातें तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि देखिए आज सड़कों पर किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी भी इस समय मौजूद है, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन ये प्रदर्शन क्यों, वजह क्या, इसके पीछे ग्राफिक्स भी आपको एक बार दिखा देते हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन राजस्थान में जो प्रदर्शन है उसके पीछे वजह क्या, क्योंकि एक ये बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है कई मुद्दों को लेकर। वो मुद्दे कौन कौन से ये भी आप जानेंगे। देखिए राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार और अवैध खनन, ये भी एक मुद्दा शामिल है नीतू। बिल्कुल, और इसके अलावा साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, इसको लेकर ही बीजेपी जो है वो राजस्थान सरकार को घेरने में लगी हुई है। किसान कर्जा माफी जैसे कई मुद्दों को लेकर आज बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप भी लगाया, उन्होंने हमला भी बोला इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, तो तमाम जो ये आरोप हैं ये बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गई है। ज्योति जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार ज्योति जी, एक तरफ तो दिल्ली में आप लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं, लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी आज आप लोगों के खिलाफ खड़ी है सड़कों पे और आंदोलन कर रही है और कह रही है कि जब आप लोगों से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही तो पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजस्थान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए आप पूरा समय अगर देखेंगे राजस्थान सरकार का पिछले 3 साल का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बीजेपी एक बिल्कुल कमजोर विपक्ष की भूमिका में राजस्थान में नजर आती है। और इसमें कहीं भी बीजेपी कोई भी मुद्दा राजस्थान सरकार के अगेंस्ट बना ही नहीं पाई है, ना चाहे वो बजट को लेकर के हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, चिरंजीवी योजनाएं हो और पेंशन की योजनाएं हो और राहत वाली जो भी योजना हो, बीजेपी कोई मुद्दा ही उसे नहीं मिला है राजस्थान सरकार के अगेंस्ट, कोई मुद्दा बना नहीं पाई। अब चूंकि चुनाव का समय आने को है, बीजेपी को लग रहा है कि हमें जनता के बीच में अब जाना चाहिए, जनता के बीच में हमें कुछ बात करनी चाहिए, तो उन्होंने एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी वो अगर जनता के बीच में जाए, जनता से अगर जुड़ने की कोशिश करेगी, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि इतनी कमर तोड़ महंगाई का आप क्या कर रहे हो, आप बेरोजगारी पे जो युवाओं को जो रोजगार देना है उसमें क्या कर रहे हो, तो उनके पास जनता की बातों का कोई जवाब नहीं है। जनता केंद्र सरकार से राहत मांग रही है, बीजेपी के पास उनकी। लेकिन देखिए ज्योति जी, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ स्टूडियो से, मुझे लगता है कि मुद्दों के ऊपर मुद्दा थोप देना ये बेहतर नहीं है। आप लोग अगर बेहतर पार्टी है, अगर राजस्थान में आप लोगों ने बेहतर काम किया है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि जो मुद्दे उठा रही है बीजेपी, कैसे उसको बेहतर तरीके से और सुधार किया जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या अत्याचार की बात हो, बीजेपी जो कर रही है उस पर तो बीजेपी घिरी जाएगी। ज्योति जी, सागर जी, आपने अगर देखा होगा कोरोना का भी जो समय निकला था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर बार 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 कैसे कोरोना को हम बेहतर ढंग से यहाँ पर संभाल सकते हैं, लोगों को ज्यादा राहत दे सकते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, लगातार उनसे संवाद रखा है। और इसी बात के लिए रखा है कि आपको अगर कहीं कुछ काम में कोई कमी नजर आती है तो निश्चित रूप से आप जो है उसको बताइए, जिससे हम जनता को और बेहतर राहत दे सके। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो लोकतंत्र में हम विपक्ष का भी उतना ही सम्मान रखना जो है वो जानते हैं और सम्मान रखते हैं, इसीलिए बार बार उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं, उनकी कई भी बातों पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन विपक्ष की भी तो एक जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए तो सही, जनता के मुद्दों के कोई उनको कोई जनता को कोई राहत देने की बात हो तो उस पर आगे आकर के अपनी बात कहे तो सही। लेकिन बीजेपी को अगर आप पिछले 3.5 साल में उठा करके देखेंगे तो वो विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल ठीक है। चलिए ज्योति जी, यही आपके सवाल जवाब जो ग्राउंड जीरो पर बीजेपी के नेता है हमारे सहयोगी के साथ, उनसे भी हम पूछ लेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। सहयोगी दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और लोग भी इस समय मौजूद हैं। दीपक, देखिए कांग्रेस का ये कहना कि पहले बीजेपी अपने गिरेवान में तो जाके देश चल नहीं रहा है, बीजेपी से संभल नहीं रहा, और राजस्थान में
इन मुद्दों को उठाकर सियासी मुद्दा बना रही है और जमकर सुर्खियां बटोरना चाह रही है। दीपक बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोटवाल जी उन्हीं से बात कर लेते हैं। अभी ज्योति खंडेलवाल जी जो प्रवक्ता है कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान जो है देश नहीं संभल रहा बीजेपी से, वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं और आज आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ कांग्रेस के लिए कि शब्द यूज करूंगा, खिसियानी बिल्ली खम्बन उठी। इनकी हालत ऐसी हो गई है राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन कल भी उन्होंने एक भाषण में अपने बाइट में कहा कि मैं शुरू से जादूगर हूं। क्या ये माने कि जादू करके इन्होंने क्राइम की अनुपात बढ़ाई है? क्या ये माने कि जादू से इन्होंने बलात्कार करने वाले लोगों को बाहर निकाला है? क्या ये माने कि जादू से ही इन्होंने फर्जी मुकदमे साधारण लोगों पर दर्ज करना चालू किए हैं? क्या ये माने जादू से ही राजस्थान का लाइन ऑर्डर पहली बार इतना खराब हुआ है कि आज राजस्थान के अंदर महिलाएं अंधेरा होने के बाद निकलने में डरने लगी है? राजस्थान की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के बारे में एक धारणा बन गई है कि कांग्रेस मतलब कुशासन, कांग्रेस मतलब लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत के और राहुल गांधी के झूठे वादे। दीपक, कानून व्यवस्था को लेकर ही तो बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है आज और प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में जहां एक तरफ राजस्थान सीएम कहते हैं कि देखिए हमें एक बार फिर से मौका दीजिए और हम राजस्थान के लिए काम करेंगे, क्या लगता है चुनावी माहौल है, तैयारियां अपनी अपनी तरह से पार्टियां कर रही हैं, बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल चुका है बीजेपी को चुनाव से पहले? देखिए बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, बीजेपी अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लगातार बीजेपी को ही मुद्दा मिल रहा है। अभी आप देखेंगे टॉक में गौकशी की घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो गौकशी घटना यानी कि गाय को काटने की बात जिक्र किया, जालौर में दलित जो छात्र की उसकी हत्या हुई, इसके अलावा जो है जयपुर के जमवारामगढ़ में महिला पर दलित महिला उसको आग जला के उसकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये लगातार ऐसे मामले के पहले जयपुर की घटना देखें, करौली की घटना, इस तरह की घटना जो बयां करते हैं कि राजस्थान में वाकई लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल बीजेपी जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, क्या उस प्रदर्शन का फायदा उसे हो पाता है या नहीं, देखने वाली बात होगी।